हाय गाइस गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है बल्कि अपडेट्स वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको तीन वॉल्यूम इंडिकेटर्स जो कि मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगे, मैं रिसर्च करता रहता हूँ तो मुझे ये तीन वॉल्यूम के इंडिकेटर्स मिले थे, तो मैं इन पर आपको अपडेट्स देना चाहता हूँ। तो मैं इसकी एक्यूरेसी दिखाने के लिए इनको फिलहाल बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे यूज़ करूँगा। आप लोग इन तीनों इंडिकेटर्स को किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है, कैंडल्स नॉर्मल है। सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग सर्च करेंगे इंडिकेटर्स में, जी सर्च करना है आपको, जी अंडरस्कोर सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही जी RSI MACD इंडिकेटर ये आ जाएगा। TIGRAM 2012 75 यूजर्स, इसको सिलेक्ट करना है। तो पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं, ऐसे करके एक एक इंडिकेटर को हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग इन इंडिकेटर्स को किसी भी दूसरे इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग और भी एक्यूरेट हो जाएगी। तो मैंने इस इंडिकेटर को सिलेक्ट किया। तो अब इस इंडिकेटर के फंक्शंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो 1 मिनट का चार्ट ओपन है आपके सामने, एक ऐसा सेटअप आ गया। आपने देखा ये इंडिकेटर ने कैसे कैंडल्स के कलर भी चेंज कर दिए। तो फिर पहले कैंडल्स के कलर की बात कर देते हैं। जो लाइट ग्रीन कलर के कैंडल्स है वो इंडिकेट करते हैं बिग अप मूव इन द मार्केट। जो डार्क रेड कलर के कैंडल्स है वो इंडिकेट करते हैं बिग डाउन मूव इन द मार्केट्स। और नॉर्मल रेड कलर के कैंडल्स है इंडिकेट करते हैं नॉर्मल डाउन मूव। और जो बाकी के कलर्स के इंडिकेटर्स कैंडल्स है वो मेंशन करते हैं साइडवेज मार्केट, मतलब नो नेदर डाउन मूव नॉर आउट मूव। ये तो हो गई कैंडल्स के कलर की बात। अब वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम का इंडिकेटर देख लेते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग ने देखा, इसमें आप लोग सेटिंग्स वगैरह करके चेंज भी कर सकते हैं। ये क्लाउड है, ग्रीन कलर का क्लाउड है, ये रेड कलर का क्लाउड है। इसकी एक्यूरेसी देखिए दोस्तों, जब भी ये क्रॉस ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे से यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे अप मूव आया। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे डाउन मूव आया। यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ, एक बड़ा सा डाउन मूव आया। मुझे ये क्रॉस ओवर बहुत अच्छा लगा। इन क्रॉस ओवर के बेसिस पे जब भी क्रॉस ओवर होगा तब हम लोग कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर करेंगे। जैसे कि इस केस में हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे। और ये जो बीच का हिस्टोग्राम है ये जैसे लाइट होने लगेगा, जैसे ये डार्क रेड है तो ये जैसे ही लाइट होने लगेगा तब हम लोग उस पुट या सेल से एग्जिट कर सकते हैं। सिमिलरली कॉल में एंटर करने के लिए हम लोग क्रॉस ओवर का वेट करेंगे। नीचे से जैसे ही क्रॉस ओवर होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ, तो हम लोग उस बाय या कॉल में एंटर करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे ये हिस्टोग्राम का कलर लाइट होने डार्क होने लगेगा, डार्क ग्रीन होने लगेगा, तो हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट कितना परफेक्ट टाइम पे क्रॉस ओवर हुआ और परफेक्ट टाइम पे हिस्टोग्राम के कलर भी लाइट ग्रीन हो गए। तो यहाँ पे जैसे ही इंस्टाग्राम के कलर लाइट ग्रीन होंगे और क्रॉस ओवर होगा अप साइड में, तो हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के इंस्टाग्राम के बार्स चालू हो जाएंगे, हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ हम लोग वहाँ पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं इस पॉइंट पे। और जैसे ही यहाँ पे ये कलर लाइट होने लगा, लाइट रेड, तो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। डार्क रेड इंडिकेट्स बिग डाउन मूव एंड लाइट ग्रीन इंडिकेट्स बिग अप मूव। सिमिलरली डार्क ग्रीन इंडिकेट्स नॉर्मल अप मूव एंड लाइट रेड अप इंडिकेट्स के अभी धीरे धीरे डाउन साइड का वॉल्यूम घटता जा रहा है। सिमिलरली फॉर डार्क ग्रीन के अभी धीरे धीरे अप मूव का वॉल्यूम घटता जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक ट्रेड्स इन द मार्केट। ये देखो जैसे ही क्रॉस ओवर हो हम लोग एंटर कर लेंगे, और जैसे ही यहाँ पे कलर जो बार्स का कलर है वो चेंज हो तो उस ट्रेड में से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। ये क्लाउड वगैरह आप लोग इस पर सेटिंग्स में जाके हटा सकते हुए दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसकी सेटिंग्स में आपको थोड़े फंक्शंस दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इसको यूज़ करने में और भी कन्वीनियंट हो। ये इंस्टाग्राम है, आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं हटा रहा हूँ आप लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं। हिस्टोग्राम है, ये MACD लाइन है,
आप लोग कलर वगैरह जो भी है चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ है एरिया कर सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट हो। तो ये हिस्टोग्राम है, ये MACD की लाइन है, इसके भी कलर्स आप लोग चेंज कर सकते हैं जिस जो आपको कन्वीनियंट हो। ये सिग्नल लाइन है, इसका भी कलर वगैरह शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। MACD सिग्नल लाइन ये भी चेंज कर सकते हैं। ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के सिग्नल्स देता है जो कि अगर आप लोग चाहे तो रख सकते हैं। मैं इसको बंद ही रखता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। फिर ये वॉल्यूम बेस्ड कलर बार्स, ये कलर के बार्स जो चेंज हुए हैं ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न में, जो कलर के बार्स चेंज हुए हैं कैंडल स्टिक्स में, वो अगर आप लोग चाहे तो रख सकते हैं और चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल कैंडल के कलर जो थे वो आ जाएंगे। फिर ये बाय सेल के सिग्नल के, यहाँ पे बाय और सेल के सिग्नल भी दिए जाते हैं कभी कभी, आप लोग चाहे तो रख सकते हैं। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का बाय का सिग्नल और कहीं पे रेड कलर का सिग्नल होगा, तो आप लोग चाहे तो रख सकते हैं और चाहे तो हटा भी सकते हैं। मैं खाली आपको फंक्शंस दिखा रहा हूँ। ये हटा दो, बैक टेस्ट स्टार्टिंग बार प्लॉट्स बैकग्राउंड ये काम के नहीं है। ओवरबॉट बैकग्राउंड और ओवरसोल्ड बैकग्राउंड आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, बाकी हटा सकते हैं। अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं क्लाउड, जो रेड कलर का क्लाउड है, ग्रीन कलर का क्लाउड है, ये आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हटा सकते हैं, प्लॉट के बैकग्राउंड पे क्लिक करके हटा सकते हैं। सिमिलरली ग्रीन कलर का क्लाउड भी हटा सकते हैं। मैं तो चाहूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हटा ही दो तो ज़्यादा अच्छा है, और लेबल्स और वैल्यूज भी हटा सकते हैं। तो मैंने क्लाउड अभी फिलहाल हटा दिए, तो अब क्लाउड हटाने के बाद मेरे सामने खाली ये वाले मेरे पास सिर्फ हिस्टोग्राम है और दो लाइन्स है। तो अभी इजीली हम लोग जब भी कॉल या बाय में एंटर करना चाहे तब क्रॉसओवर का वेट करना है, ऊपर की साइड क्रॉसओवर और लाइट ग्रीन कलर के बार्स होंगे तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। सिमिलरली डाउन की साइड क्रॉसओवर होगा और डार्क ग्रीन कलर के बार्स होंगे तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, और जब बार्स के कलर डार्क ग्रीन और लाइट रेड हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली, डार्क ग्रीन और लाइट रेड हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली, तब हम लोग उस बाय या कॉल या पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे। तो होप ये इंडिकेटर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, सिंपल सा इंडिकेटर था। तो इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, तो होप ये इंडिकेटर आपको समझ में आया होगा और यूजफुल लगा होगा। तो चलते हैं दूसरे इंडिकेटर की तरफ, इसको मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो अब लोग हम लोग वापस अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो अब हम लोग फिर से हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। 1 मिनट का चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी पे। तो दूसरा इंडिकेटर सर्च करते हैं, इंडिकेटर में जाके सर्च करते हैं OBV। OBV टाइप करेंगे तो OBV ट्रैफिक लाइट्स करके आएगा। आप लोग चाहे तो OBV ट्रैफिक भी लिख सकते हैं। तो OBV ट्रैफिक लाइट्स करके आएगा, लेजमेयर करके 1574 यूजर्स। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके फंक्शंस देखेंगे। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, तो ऐसा ये फंक्शन है। तो फिलहाल इसको समझने के लिए थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे पहले, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सेट तो इस इंडि तो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके आपको सेटिंग समझा देता हूँ पहले, फिर इसका फंक्शन समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। ये सेटिंग्स में जाके स्टाइल में गया मैं, ये इसका प्लॉट है, ये ऊपर की जो लाइन है ये है। ये आप लोग जो चाहे कलर वगैरह आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये वापस बीच का प्लॉट है, ये वाला प्लॉट है। तो हमको ये ऊपर वाला प्लॉट ऑफ कर देना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। बीच का प्लॉट रहने देना है, ये प्लॉट भी रहने देना है। ये जो प्लॉट है नीचे वाला थर्ड कलर, इसमें से जो थर्ड प्लॉट है वो भी ऑफ कर देना है। फिर ये जो सर्कल्स है इसको भी मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि इनका कुछ यूज नहीं लगा मुझे। फिर ये बैकग्राउंड कलर वगैरह, ये वाला बैकग्राउंड कलर मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि कुछ, ऊपर वाला बैकग्राउंड कलर ऑफ कर दिया। ये वाला प्लॉट बैकग्राउंड रहने देना है क्योंकि ये थोड़ा यूजफुल लग रहा है, और लेबल्स और वैल्यूज वगैरह ऑफ कर देना है। तो हमारा सेटिंग रेडी है, अब इसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट इंडिकेटर है। तो यहाँ पे ऐसा है कि दो लाइन आप लोग देख सकते हैं, जब भी ग्रीन लाइन येलो लाइन के ऊपर होगी, क्रॉसओवर होगा, ग्रीन लाइन क्रॉस करके येलो लाइन के ऊपर आएगी और प्लस ब्लू कलर का क्लाउड बना होगा।
ये क्लाउड के कलर, लाइंस के कलर वगैरह सब आप सेटिंग्स में जाके अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी क्रॉसओवर होगा और ये ग्रीन लाइन येलो लाइन के ऊपर आ जाएगी और ब्लू कलर का क्लाउड होगा, मतलब कॉल या बाइक की एंट्री बनती है। और सिमिलरली इसके अपोजिट, जब ग्रीन लाइन येलो लाइन के नीचे आ जाएगी और रेड कलर का क्लाउड बनना चालू हो जाएगा, इसका मतलब कि पुटिया कॉल में, पुटिया सेल में एंट्री बनती है। ये आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट के कॉल या बाय पुटिया सेल में एंट्री के पॉइंटर्स देता है। ये देखिए, जब भी ग्रीन लाइन नीचे होगी, येलो लाइन ऊपर होगी, यानी ग्रीन लाइन ऊपर से क्रॉसओवर करके येलो लाइन के नीचे आ जाएगी और प्लस क्लाउड भी रेड कलर का हो जाएगा, तब पुटिया सेल की एंट्री बनती है। सिमिलरली इसके अपोजिट, जब ग्रीन लाइन क्रॉसओवर करके येलो लाइन के ऊपर आ जाएगी और क्लाउड भी ब्लू कलर का हो जाएगा, तब कॉल या बाय की एंट्री बनती है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही एक्यूरेट टाइमिंग वगैरह परफेक्ट, एकदम बहुत ही मस्त लगा इंडिकेटर। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के एकदम इंटरमिंगल हो, एकदम नजदीक नजदीक हो, तब हमें एंटर नहीं करना है, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट है। ना कॉल, ना बाय, ना पुट, ना सेल, कहीं भी एंटर नहीं करना है। जब भी हमको कंफ्यूजन हो कभी भी कहीं भी कि हम एंट्री करें कि नहीं करें, तब हमें एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन लाइन ऊपर गई, ब्लू कलर का क्लाउड बना, कॉल या बाय की एंट्री बनी, और फिर ग्रीन लाइन नीचे आई, रेड कलर का क्लाउड बना, पुट या सेल की एंट्री बनी। तो होप ये सिंपल सा लेकिन पावरफुल इंडिकेटर आपको समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेटिंग्स में जाके आप लोग कलर वगैरह, क्लाउड के कलर, लाइंस के कलर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो येलो लाइन है, इसको रेड कर सकते हैं या वाइट या कोई भी कलर कर सकते हैं। तो होप ये भी इंडिकेटर आपको यूजफुल लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं तुम्हारे तीसरे इंडिकेटर की तरफ। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और हमारा तीसरा इंडिकेटर, इंडिकेटर्स में जाके सर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव QUA सर्च करेंगे तो एक ये आएगा कि 1 ozoblic 8618 यूजर्स क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन QQE। ये QQE मोड वाला QQE नहीं है, ये QQE इंडिकेटर है। तो इसको सिलेक्ट करना है, पापर बता देता हूँ। QUA टाइप करेंगे तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन QQE Q1 ozoblic 8618 यूजर्स, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आएगा। तो ये इंडिकेटर भी बहुत ही सही लगा मुझे, ये बाय और सेल के इंडिकेशंस भी देता है। इसमें कुछ खास क्रॉसओवर का मीनिंग नहीं है, इसमें बाय और सेल का ही मीनिंग है। जब भी ब्लू लाइन नीचे होगी रेड लाइन के और बाय का सिग्नल आएगा, तब हमें कॉल या बाय में एंट्री करनी है। और सिमिलरली जब ब्लू लाइन ऊपर होगी तब सेल का सिग्नल आएगा, तब हमें पुट या सेल में एंट्री करनी है। जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर होगी तब सेल का सिग्नल बनेगा, और जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे होगी तब कॉल या बाय का सिग्नल बनेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ क्रॉसओवर तो मुझे दिख नहीं रहा है कि कहीं पे क्रॉसओवर पे इसने सिग्नल दिया। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मार्केट को देख के ये बाय और सेल के सिग्नल देता है, ऐसा मुझे लगता है। ये कलर्स वगैरह आप लोग सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। जो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ सिंपल सा। तो सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके ये फास्ट लाइन है जिसका कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, ब्लू लाइन स्लो लाइन है जिसका कलर चेंज कर सकते हैं, प्लॉट वगैरह आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, ये बीच का सेंटर लाइन। बाय सेल के सिग्नल्स आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, चाहे तो इनके प्लेसेस चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी। ये अप ट्रेंड हाईलाइटर है, ये जो बीच में जो क्लाउड बना हुआ है। सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड का हाईलाइटर है, आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आपके अकॉर्डिंगली आप लोग देख के चेंज कर सकते हैं, लेबल्स और वैल्यूज वगैरह हटा सकते हैं। तो होप ये तीनों वॉल्यूम इंडिकेटर्स आपको समझ में आए होंगे और यूजफुल लगे होंगे। तो समझ में आए होंगे, यूजफुल लगे होंगे, तो इनको सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए इनके हेल्प से, और फिर यूज़फुल लगे तो इनको लाइव मार्केट में, कॉन्फिडेंस आने पर लाइव मार्केट में यूज़ करके देखिए। तो होप ये अपडेट वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स पे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।